नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भारत देश का बजट पेश किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट में। फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने ये अपना बजट पेश किया है। ये इनका 7वां बजट था। सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाले जो नेता थे मोरारजी देसाई। तो दोस्तों, निर्मला सीतारमण जी तीसरी फाइनेंस मिनिस्टर बन चुकी हैं जो सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाली हैं। सबसे पहले मोरारजी देसाई हैं, सबसे ज़्यादा बजट पेश किए हैं। दूसरे नंबर पी चिदम्बरम जी हैं, तीसरे नंबर पे निर्मला सीतारमण जी के हैं। तो दोस्तों, आइए समझते हैं कि इस बजट से आखिर हर एक भारतीय को क्या इम्पैक्ट होने वाला है, क्या मिला है, क्या गया है, ये सारी चीज़ें समझते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि भारत सरकार कितना पैसा कमाने वाली है, ये बजट कितने का है और इस पे खर्च वो कैसे कैसे करने वाली है। फिर और भी तमाम चीज़ें हैं कि टैक्स स्लैब क्या है, उसके बाद क्या युवाओं को मिला है, क्या किसानों को मिला है, क्या महिलाओं को मिला है, इन सभी की बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको बताएं कि ये जो बजट पेश किया गया है तो ये बजट 48.2 लाख करोड़ रुपीज़ का है। जी हाँ, 48.2 लाख करोड़ रुपये का ये बजट है। मतलब कि भारत सरकार को ये अनुमान लगा रही है भारत सरकार कि उसको 48.2 लाख करोड़ रुपीज़ मिलेंगे पूरे साल में। इतनी उसकी इनकम होगी और जो खर्चा करेगी वो करेगी 52.1 लाख करोड़। मतलब कि कमाएंगे 48 और खर्चा करेंगे 52। तो इसका मतलब ये जो गैप है 3 लाख करोड़ का, ये है डेफिसिट, यानी कि फिस्कल ये जो डेफिसिट हुआ ये भारत सरकार कर्जा लेगी और अपने खर्चों को पूरा करेगी। तो दोस्तों, ये तो रहा बजट की बात कि कितना आने वाला है और कितना खर्च करने वाला है। अब ये जो दोस्तों डेफिसिट है, ये हमारी जीडीपी का 4.9% है और भारत सरकार ने ये टारगेट किया है कि अगली बार जब बजट लाएंगे तो वहाँ पर ये अपना जो जीडीपी का रेशियो है ये 4.5 रखने की कोशिश करेंगे। तो अब दोस्तों समझते हैं कि भारत सरकार अगर 100 रुपये कमाएगी तो वो किस किस चीज़ से कमाएगी और ये 100 रुपये अगर खर्च करने हैं तो वो किस किस चीज़ में खर्च करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको बताएं कि भारत सरकार जो कमाएगी 100 रुपये, तो उसमें 100 रुपये में सबसे पहले 27 रुपये जो लाएगी वो कर्जे के रूप में लेकर आएगी। 27 रुपये कर्जे के रूप में आएंगे भारत सरकार के पास। 19 रुपये आएंगे इनकम टैक्स से, 18 रुपये आएंगे जीएसटी से। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही जीएसटी और अदर टैक्स से 17, और फिर कस्टम ड्यूटी 4, और एक का आएगा नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स होती हैं जो, और नॉन टैक्स रिसीट्स होती हैं 9, एक्साइज ड्यूटी से आएंगे 5। तो इस तरह से ये पूरे 100 रुपये कमाएगी भारत सरकार। और जो खर्च करने की बात आएगी तो खर्च सबसे पहले जो इन्होंने कर्जे लिए हैं उसका इंटरेस्ट देने से शुरुआत होती है। तो उस इंटरेस्ट की ही बात करें तो करीब 19 रुपये मान लीजिए इंटरेस्ट देने में लगा देंगे। फिर उसके बाद दूसरा सबसे जो बड़ा खर्चा, सबसे बड़ा खर्चा तो स्टेट को देने का होता है, जिसमें ये 21 रुपये स्टेट को देंगे, 19 रुपये इंटरेस्ट पे करने में देंगे। कुछ सेंट्रल की स्कीमें चलती हैं, वो स्कीम में 16 रुपये लग जाएंगे, 9 रुपये फाइनेंस कमीशन के लग जाएंगे। ऐसे ही कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं, कुछ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं, तो ऐसे ही उसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में 8 रुपये चले जाएंगे। कुछ पेंशन वगैरह में देना होता है, डिफेंस में खर्च करना होता है, और कुछ सब्सिडी में देना होता है, तो ऐसे ही 8 रुपये 6 रुपये इस तरह से सारे खर्च करने होते हैं। तो इस तरह से 100 रुपये जो आते हैं वो ऐसे ऐसे खर्च होंगे। अब दोस्तों, अगर हम बात करें कि भारत सरकार ने अपने डिफेंस के लिए कितना पैसा आखिर दिया है, तो दोस्तों आपको बता दें कि 4.5 लाख करोड़ रुपए डिफेंस के लिए रखे गए हैं बजट में। और रूरल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो 2.6 लाख करोड़ रुपए रूरल के लिए रखा गया। एग्रीकल्चर की बात करें तो 1.5 लाख करोड़ रुपए एग्रीकल्चर के लिए, होम अफेयर्स के लिए भी 1.5 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। तो दोस्तों, ये तो रही बात कैसे पैसे हमारे आने वाले और कहाँ खर्च होने वाले। तो अब आइए और डिटेल में चलते हैं। अब दोस्तों क्या है कि कुछ चीज़ें हमारी सस्ती हुई हैं, उस पर जैसे कि मोबाइल है उस पर जो ड्यूटी लगती थी इंपोर्ट ड्यूटी, वो उसको कम कर दिया गया, जिससे कि कुछ हमारे मोबाइल की कीमत में कमी आएगी।
और जो बाहर से हम गोल्ड खरीदते थे, गोल्ड जो आता था, उसमें हमारे टैक्स रेट को कम कर दिया गया। पहले 10% था, अब 6% कर दिया गया। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि उस पर हमारी जो परचेजिंग होगी वो कम की होगी। अब दोस्तों एक चीज़ और भी है, आपने देखा होगा कि जब बजट पेश हो रहा था उस वक्त शेयर मार्केट काफ़ी नीचे गिर गया था। उसका रीज़न ये रहा कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का मतलब कि मान लीजिए आज के दिन हमने कोई शेयर ख़रीद लिया है और उसको हम 12 महीने अपने पास रखते हैं। आज शेयर ख़रीदा है 100 रुपये का और 12 महीने के बाद यानी कि एक साल के बाद जब शेयर को बेचने जा रहे हैं तो उसकी कीमत हो गई 150, यानी कि 50 रुपये का जो हमें ये गेन हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है, इसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो अब इस जो 50 रुपये पर टैक्स लगेगा वो 12.5% लगेगा, जो पहले 10% लगता था। तो ये बात सभी इन्वेस्टरों को बुरी लगी, इसकी वजह से शेयर मार्केट नीचे आ गया और काफ़ी ज़्यादा नुकसान की तरफ चला गया। और दोस्तों इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो वही शेयर अगर हम एक साल के अंदर बेचेंगे और उसमें जो भी प्रॉफिट होगा उस पर जो टैक्स देना पड़ेगा वो 20% होगा, और उस एक साल के अंदर के प्रॉफिट को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो वो 20% है। इसी के साथ भारत सरकार ने सोचा कि कुछ गरीबों के लिए, यानी कि जो छोटे लोग हैं, छोटे इन्वेस्टर हैं, उनके लिए भी कुछ सोचा जाए। तो उन्होंने कहा कि अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपये तक कमाते हैं तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लेंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे। तो एक ये भी चीज़ है। इसके बाद कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, जैसे कि फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में बिजनेस करती है तो उसके ऊपर इंडिया भारत सरकार द्वारा 40% का टैक्स लगाया जाता था अभी तक, लेकिन अब उसको 5% की कमी करके 35% कर दिया गया है। इसके साथ ही जो स्टार्टअप होते हैं यानी कि नया नया जो बिज़नेस करते हैं, तो नया नया बिज़नेस जब करते हैं तो उनको पैसे की ज़रूरत होती है, तो कुछ लोग आते हैं जो इन्वेस्ट कर देते हैं उनके बिज़नेस में कि ठीक है हम पैसा लगा देते हैं, आपके पास आइडिया, आप अपना बिज़नेस करिए। तो जो लोग ये पैसा लगाते थे उनके ऊपर भी ये टैक्स लगा दिया जाता था ये स्टार्टअप्स के ऊपर। तो स्टार्टअप को खुद ही पैसे की ज़रूरत, तो टैक्स लगा दिया जाएगा तो लोग पैसा लगाने आएंगे नहीं, तो इसलिए वहाँ पे एक एंजल टैक्स नाम की जो चीज़ थी इसको हटा दिया गया कि अब कोई भी स्टार्टअप में पैसा लगाए अब टैक्स नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये तो स्टार्टअप्स की बात थी। इसके बाद अगर हम टैक्स रेट की बात करें कि आखिर टैक्स रेट क्या हुआ, इनकम टैक्स जो देना है वो कैसे देना है, तो आपको बता दें कि अगर किसी व्यक्ति की इनकम 1,00,000 से 3,00,000 के बीच में है तो उसको कोई भी टैक्स नहीं देना, 0% टैक्स होता है। फिर उसके बाद अगर 3,00,000 से 7,00,000 के बीच उसकी कोई इनकम है तो उसमें 5% का टैक्स देना है, और 7,00,000 से 10,00,000 के बीच इनकम है तो 10% का टैक्स देना है, 10,00,000 से 12,00,000 के बीच इनकम है तो 15% टैक्स देना है, और 12,00,000 से 15,00,000 के बीच की इनकम है तो उस अमाउंट पे 20% का टैक्स देना है, और 15,00,000 रुपये से ऊपर कोई कमाता है तो उसको 30% का टैक्स देना पड़ेगा। और आपको बता दें कि ये जो स्लैब है ये यानी कि न्यू टैक्स रिजीम में अगर कोई भी जाता है व्यक्ति तो उसको 7,00,000 रुपये तक किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और आपको बता दें एक होती स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब ये समझ लीजिए कि गवर्नमेंट मानती है कि कोई सैलरीड बंदा है तो उसको उसके खर्चे भी होते हैं कुछ, जैसे आना जाना इस तरह के जो खर्चे होते हैं वो 75,000 रुपये तक के अलाउ कर देगी। मतलब कि ये एक डिडक्शन के रूप में आपको दे रही है कि 7,00,000 रुपये तक मान लो आप कमा रहे हो तो वो 75,000 रुपये और आपको बेनिफिट देती है कि 7,75,000 रुपये की इनकम है तो उस पर वो गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लगेगी। ये स्टैंडर्ड इलेक्शन पहले 50,000 की होती थी, अब इसको 75,000 के कर दिया गया, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद अगर फैमिली पेंशन की बात करें, उसकी डिडक्शन पहले 15,000 मिलती थी, उसे अब 25,000 कर दिया गया, ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो ये तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें थी। अब इसके बाद समझते हैं कि आखिर युवाओं को क्या मिला, महिलाओं को क्या मिला। तो अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के लिए भी सरकार ने अच्छे से सोचा है, इनके लिए ये बोला है कि कुछ वेलफेयर की स्कीमें चलाई जाएंगी और इनको रहने के लिए घर मिलेंगे। मतलब कि कुछ ऐसा समझ लीजिए कि 3,00,000 करोड़ का बेनिफिट होने वाला है जो खर्चा किया जाएगा, इनके रहने के लिए हॉस्टल्स बनाए जाएंगे, तो ये महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है।
वर्किंग वुमेन जो हैं उनके लिए ये हॉस्टल की व्यवस्था करी जाएगी, साथ में इनको लोन की भी व्यवस्था करी जाएगी, इनको लोन भी दिया जाएगा। युवाओं की बात करें, जो युवा पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो देश के अंदर की बात है, तो अगर देश के अंदर युवा पढ़ना चाहते हैं और उनको लोन चाहिए तो 10 लाख रुपए तक का इनको लोन मिलेगा और उस पर 3% गवर्नमेंट अपने पास से इंटरेस्ट देगी। मान लीजिए कि हमने स्टडी के लिए लोन लिया और लोन हमको मिला 10% के रेट पर इंटरेस्ट लग रहा है, तो 3% इसमें गवर्नमेंट दे देगी और 7% मेरी जेब से जाएगा, यानी कि 10 में से 3, 12 सरकार का और 7 मेरा। तो इस तरह से ये स्टडी के लिए लोन हो गया। और बात अगर करें कि युवाओं के लिए, तो युवाओं के लिए खास क्या है, तो इस बार दोस्तों काफ़ी अच्छा चीज़ गवर्नमेंट लेकर आई है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि अगर कोई भी युवा पहली बार जॉब करने जाता है, पहली बार अगर वो जॉब करेगा तो उसको 15,000 रुपये तक का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि 5,000 करके 3 इंस्टॉलमेंट में उसको बेनिफिट गवर्नमेंट देगी। तो दोस्तों ये हमारे यूथ के लिए काफ़ी अच्छी बात है। गवर्नमेंट का कहना है कि 500 जो टॉप कंपनियां हैं, टॉप 500 कंपनीज़ में अगर आप अपनी इंटर्नशिप करने जाएंगे तो उसमें से गवर्नमेंट आपको 5,000 पर मंथ एक तरह का बेनिफिट देगी, एक आपको फ़ायदा देगी, पैसा रुपया देगी, 5,000 रुपये पर मंथ का इंटर्नशिप करने, मतलब आप काम को सीखने जा रहे हैं किसी टॉप 500 कंपनीज़ में, तो आपको 5,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। और इसके अलावा एक बार आपको 6,000 रुपये मिलेगा, वन टाइम असिस्टेंस है ये, एक बार दे देंगे। इसमें 1 करोड़ यूथ को फ़ायदा मिलने वाला है और ये अगले 5 सालों के बीच में एक करोड़ यूथ को ये बेनिफिट मिलेगा, तो ये यूथ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसके साथ ही अगर बात करें तो गवर्नमेंट पीएफ जो कंट्रीब्यूशन होता है, मतलब जो लोग जॉब करते हैं अगर उनकी इनकम 15,000 रुपये या इससे ऊपर है, तो ये मान लीजिए कि उनके ऊपर पीएफ तो खैर उससे नीचे भी कटता है, लेकिन वो वहाँ से एक सीलिंग लग जाती है 15,000 रुपये पे। तो ये मान लीजिए कि वो जो पीएफ कटेगा उसमें गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन भी रहेगा, गवर्नमेंट भी अब अपने पास से पीएफ जमा करेगी, जिससे कि जो एम्प्लॉयर है उसका बर्डन कम होगा, क्योंकि पीएफ दो तरीके से कटता है, एक तो एम्प्लॉई का भाग होता है वो देता है और साथ में जो कंपनी होती है वो भी देती है, दोनों लोग मिलाकर जमा करते हैं ये पीएफ। तो अब गवर्नमेंट पीएफ का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट भी करेगी, तो इससे जो एम्प्लॉयर है उसका बर्डन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी एक अच्छी चीज़ है। हालांकि रियलिटी बता दें आपको, जैसे कहीं पर भी आप जॉब करने के लिए जाते हैं तो पीएफ वगैरह बात जब होती है एम्प्लॉयर से, तो आपको वो कहते हैं कि हम, मतलब रूल में तो है कि आपका हिस्सा आप दोगे पीएफ का और कंपनी अपना हिस्सा देगी, लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी पूरी सैलरी पे आपसे बात करी जाती है और आप ही की सैलरी से दोनों हिस्से काट लिए जाते हैं, आपका भी और जो एम्प्लॉयर का बनता है वो भी। तो इस तरह से पूरा पैसा देखा जाए तो आपको अपने ही जेब से देना पड़ता है। तो इसमें ये जो बर्डन है इसको शेयर करने की बात कही है गवर्नमेंट ने। और इसके साथ ही अगर बात करें तो करीब 20 लाख युवाओं के लिए एक चीज़ करी जाएगी कि एक इंस्टीट्यूट, मतलब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हों, उनको अपग्रेड करा जाएगा, 1,000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इनको अपग्रेड कर देंगे, तो उससे 20 लाख यूथ के लिए फ़ायदेमंद होगा, उनको बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों ये कुछ हाइलाइट्स हैं जो, और भी आपको बता दें कि इसके साथ गवर्नमेंट एक और चीज़ का बोला है गवर्नमेंट ने, कि जैसे कि जो लोग रजिस्ट्री कराते हैं स्टैम्प ड्यूटी वगैरह उसमें लगती है, तो गवर्नमेंट ने ये बोला कि हम स्टेट को बोलेंगे, अपील करेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट जो भी अगर वुमेन की, किसी महिला की रजिस्ट्री होने जा रही है स्टैम्प ड्यूटी, उस पर वो कम करें। अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट तो कुछ कर भी नहीं सकती है क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट होता है, तो इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट से वो अपील करेगी। इसके बाद 14 ऐसे सिटी हैं जिसमें वो ट्रांजिट फैसिलिटी को काफ़ी अच्छा करेगी, जिसकी पॉपुलेशन 30 लाख या इससे ज़्यादा की है, तो वो शहरों को अच्छे से डेवलप करेंगे। इस तरह की चीज़ें हैं। अब दोस्तों ये तो खैर भारत के लिए बजट जो आया है बहुत ही ठीक ठाक आया है, कोई बहुत ही ख़राब नहीं है, कोई बहुत ही अच्छा भी नहीं है।
लेकिन मेरी नज़रों में ये एक एवरेज बजट है, क्योंकि इसमें यूथ के लिए सबसे ज़्यादा सोचा गया, यूथ के जॉब के बारे में सोचा गया, इसलिए इसको मैं बहुत अच्छा कह रहा हूँ। लेकिन इसमें मुझे कोई बहुत अच्छा दिख नहीं रहा है जिससे बिजनेसमैन कुछ बहुत अच्छा करे, मुझे दिख नहीं रहा है लिक्विडिटी ज़्यादा मार्केट में आएगी, ऐसा मुझे कुछ इस बजट में नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छा नहीं बोलूँगा। क्योंकि जब आप पैसे आपके मार्केट में कब आते हैं, जब आप शेयर मार्केट में जो कैपिटल मार्केट है वहाँ पे आप टैक्सेस को कम रखते हैं, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म टैक्स जो ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 10% से वो बढ़ाकर 12.5% कर रहे हैं, तो इससे कहीं ना कहीं माहौल ख़राब होता है मार्केट का। और मार्केट में अब आप कई दिन तक हो सकता है देखें कि शेयर मार्केट लाल निशान पर बंद होगा, मतलब कि शेयर मार्केट में गिरावट रहेगी कुछ टाइम, आपको ये देखने को मिलेगा। अब दोस्तों कुछ और चीज़ अगर इसमें और डिटेल में और स्टडी करूँगा और पढ़ूँगा इसे, अगर और कुछ अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी तो मैं आपके लिए और बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड बजट एक बार आपके लिए लेकर आऊँगा वीडियो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।